हेलो ब्रह्मानी स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी प्रवेशिका। आर यू फाइन स्टूडेंट्स? आई होप यू विल ऑफ फाइन। आप घर पर स्टूडेंट्स फाइन। टुडे स्टार्ट सब्जेक्ट हिंदी। नाउ वी स्टार्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर 69। ओके स्टूडेंट, तो पेज नंबर 68 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था और 69 में हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। चित्र देखो और उसके नाम का पहला अक्षर लिखना। ओके स्टूडेंट, चित्र को देखना और उसके पहले अक्षर का नाम लिखना। ऐसे देखो, यहाँ पर देख सकते हो क्या है ये, शरबत, लट्टू, वकील, ये क्या स्टूडेंट, छड़ी, और ये क्या है, दुल्हन। ठीक है, दुल्हन या वर वधु भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पलंग, घड़ा, कुल्हाड़ी, कंबल, बकरी, मकड़ी, बत्तख। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, सिर्फ इसका पहला अक्षर लिखना है। क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर नेम, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। तो स्टूडेंट्स पहला हमें अक्षर लिखना है। ठीक है, ये क्या ऑप्शन, सरबत, सरबत का क्या आएगा, स। ये क्या है, लट्टू, लट्टू में जिसे टॉप कहते हैं ना इंग्लिश में, और स्टूडेंट्स इसे भमेड़ा भी कहते हैं ना बच्चे, ल। कौन है स्टूडेंट्स, कोर्ट में कौन सब चीज़ गवाही प्रेस करते हैं, क्या नाम है, क्योंकि क्या कहा जाता है इनको, कहते हैं वकील। तो स्टूडेंट्स व, व से वकील। ये क्या है, छ, छ से छड़ी। ये क्या स्टूडेंट्स, वरवधु, जिसे कहते हैं ना दुल्हन भी कहते हैं ना स्टूडेंट। ठीक है, दस स्टार्ट होगा दुल्हन, क्या है ये स्टूडेंट्स, दुल्हन, ये दुल्हन भी स्टूडेंट्स व से भी कर सकते हैं, वधु जिसे व कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, पलंग, क्या ये पलंग, ये प। ठीक है, ये क्या है, घड़ा, क्या है ये, घड़ा। ठीक है, तो ये घ, ये है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का क। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये कंबल, क्या ये कंबल। ठीक है, ये भी क से होगा। ठीक है, ये है बकरी, बकरी का ब, बकरी से ब, मकड़ी का म, बतख का ब। क्वेश्चन वापस रिवाइज करें तो आप देखो, यहाँ पर शरबत का हमने स लिखा, लट्टू का ल, वकील का व, छड़ी का छ, वधु का व, पलंग का प, घड़े का घ, कुल्हाड़ी का क, और कंबल का क, और यहाँ पर बकरी का ब, मकड़ी का म, और बतख का ब। क्वेश्चन नाउ वी नेक्स्ट पे टर्न करेंगे। शब्दों में से फ, व, श, श, ह और त्र वर्णों को पहचान कर ऊपर सर्कल बनाना है। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फ, व, श, श, ह, त्र इन वर्ड सर्कल, इन सर्कल ध्यान। क्वेश्चन, हमें इन शब्दों को पहचान कर सर्कल करना है। क्या देखो, जैसे यहाँ पे दिया गया फ, देख रहे हैं, हमें फ वर्ण को पहचान के इसमें सर्कल, देखिए दिया गया फकीर, शरीफ, जिराफ, फल, फरसा, सफल, फरहा, फण। तो हमें किस पे करना है सर्कल, हमें करना है फ पे। ठीक है, ये रहा फ पे कर दिया हमने। अब यहाँ शरीफ में ये रहा फ, जिराफ में ये रहा फ, फल में ये रहा फ। ओके स्टूडेंट्स, अब करना है हमें फरशा में ये रहा फ, सफल में ये रहा फ, फरहा में ये रहा फ, एंड फण में ये रहा। तो स्टूडेंट्स फ वर्णों को पहचान कर हमने सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब हमें करना है व, व वर्णों को पहचानना, उस पर सर्कल करना है। यहाँ दिया गया वजन, वक, पवन, वकील, श्रवण, वदन, वतन, वनीता। तो स्टूडेंट हमें वह वर्णों को पहचान कर सर्कल करना है। ठीक है, तो वजन में कहाँ है व, ये रहा, वक में ये रहा व, पवन में ये रहा, वकील में ये रहा व, श्रवण में ये रहा व, वदन में ये रहा व, वतन में ये रहा, वनीता में ये रहा व। तो स्टूडेंट वह वर्णों को पहचान कर हमने सर्कल कंप्लीट कर दिया। श, अब हमें स को पहचानना है। देखो, शहद में ये रहा श, कलश में ये रहा श, शहर में ये रहा, सहनाई में ये रहा श। ओके स्टूडेंट्स, हमें नहीं करना सॉरी, हमें सिर्फ स पे करना है। ठीक है, फिर सकट में ये रहा, रेशम में ये रहा स, आकाश में ये रहा स, सलगम में ये रहा। स्टूडेंट्स समणों को पहचान कर हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब हमें करना स्टूडेंट्स सपेरे वाले पे करना है। ठीक है ना, तो बस में ये रहा श, सरिता में ये रहा श, पारस में ये रहा श, ओके, सफल में ये रहा श,
धास सॉरी घास, घास में ये रहा सा, सर्कस में ये रहा श, सपेरा में ये रहा श, सड़क में ये रहा श। सवर्ण पर सर्कल कंप्लीट। अब करना है हमें हाँ पे, किस पे करना है स्टूडेंट, हाँ पे करना है, ठीक है। हाँ पे हल में ये रहा हा, टहनी में ये रहा, हथौड़ा में ये रहा, गहना में ये रहा, महल में ये रहा, हवन में ये रहा, गिलहरी में ये रहा और लहर में ये रहा। स्टूडेंट्स हवानों को पहचान कर हमने कंप्लीट कर दिया सर्कल, अब त्र पे करेंगे, ठीक है। छात्र, छात्र में ये रहा त्र, पत्र में ये रहा, इत्र में ये रहा, चित्र में ये रहा, नेत्र में ये रहा, छत्र में ये रहा, पवित्र में ये रहा और पुत्र में ये रहा। क्वेश्चन तत्र वर्णों को पहचान कर हमने कर लिया। तो क्वेश्चन ह व श श ह त्र, इन सभी वर्णों को पहचान कर हमने सर्कल कंप्लीट कर दिया। आपको भी आपकी क्या करना है, वर्ड बुक्स में इस तरह वर्णों को पहचान कर सर्कल करना है। समान अक्षरों की जोड़ियां बनाओ, तो मैथ द सेम लेटर क्वेश्चन, तो हमें देखना जो समान अक्षरों पर जोड़ियां बनाना, किससे से बनाना है। हमको एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे न को न से जोड़ा है, ओके। यहाँ पर दिया गया प ह ब भ म। तो स्टूडेंट्स हमें वर्णों को देख के पहचाना, देखो यहाँ पे कौन सा वर्ण है, यहाँ पे न को न से मैच कर दिया है ना, जोड़ दिया है ना। अब हमें प को प से जोड़ना है, फ को फ से, ब को ब से, भ को भ से, म को म से, ठीक है। जैसे हमें इसमें क्या, इसमें भी सेम ऐसे करना है, य को हमको मैच कर दिया, हमको य से मैच करना है, र को र से मैच करना है, ल को ल से, व को व से, स को श से, षटकोण वाले श को स से मैच करना है, ठीक है। अब हमको इसमें भी सेम करना है, देखो यहाँ पर स को मैच करना है, स से जोड़ना है, सॉरी स को स से जोड़ना है, ह को ह से जोड़ना है, छ को छ से जोड़ना है, ज्ञ को ज्ञ से जोड़ना है, त्र को त्र से जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स मैथ से हम लेटर्स कंप्लीट, नाउ वी नेक्स्ट पे अटेंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पढ़ो और लिखो, रीड इन ब्राइट, आपको क्या पढ़ना है और क्या लिखना है। देखो यहाँ पर न प ह ब भ म य र ल व श श श ह छ ज्ञ इंत्र। तो इन वर्णों को एक बार पढ़ना है, फिर आपको इसको ट्रेस करना है, ठीक है। जिसे करना है यहाँ पर, पहले आप लोग को यहाँ पर करना है न, ठीक है, न करना है, क्या करना है आपको न। तो स्टूडेंट्स पहले आपको ये तीन लाइन में करना है ट्रेस, उसके बाद आपको ये यहाँ पर इसे तीन लाइन में लिखना है, ठीक है। पहले आपको चार ए ट्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पर इन वर्ण कंप्लीट करना है, ठीक है। एक बताती हूँ, बाकी मैं ट्रेस करके आपको बता दूँगी, बाकी सब आप लोगों को खुद करना है आपके वर्ड बुक्स में, ओके। फिर आपको करना है प, ठीक है, पहले ऊपर लाइन अंडरलाइन करिए, फिर नीचे इस तरह से करिए, तब प बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही, पर आप लोग घर पे स्लोली स्लोली लिखो, आपकी हैंडराइटिंग गुड आएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करना है, ओनली फॉर में ट्रेस करके बता रही हूँ, ठीक है। फ क्या है ये, फ इस तरह से फ बनाना, ओके। स्टूडेंट फ और कम डिस्टेंस होता है, अलग अंतर होता है बेटा, देखो यहाँ पर इस तरह से फ करना है। उसके बाद बच्चों ये करना है आपको ब वर्ण करना है, ठीक है। कौन सा वर्ण है ये, ब ब बकरी वाला ब होता है ना वो, ठीक है। उसके बाद ये भ भ भगत वाला भ भगत वाला, ठीक है, कंप्लीट भ। अब करना है हमें म, क्या करना है स्टूडेंट्स, म म म मगर वाला, ठीक है। उसके बाद यह यति वाला, यह कौन सा है, यह यह यति वाला, ठीक है, यह यति वाला। र रथ वाला, र रथ। ल, ठीक है, ल से लट्टू भी होता है, ल से लड़की भी, ल से लड़का भी होता है, ठीक है। व व वक वाला, व वक वाला, वक में जो इंग्लिश में क्रैन कहते हैं उसे हिंदी में वक कहते हैं, ठीक है। व क्या है ये, व। उसके बाद स्टूडेंट स सहनाई वाला, श कौन सा है, स सहनाई वाला, या श शरीफा वाला भी होता है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, स स षटकोण वाला स्टूडेंट, स षटकोण वाला, ठीक है।
स्टूडेंट्स, अब हमारी जो हिंदी प्रवेशिका बुक है ये उसका लास्ट पेज है। इस बाद एक पेज और है, हमारी हिंदी प्रवेशिका बुक हमारी कंप्लीट। आप लोगों को सबसे कंप्लीट कर रखें यहाँ पर, ये सपेरा वाला सा कौन सा है, सपेरा वाला सा। ओके देखो स्टूडेंट्स, सपेरा वाला आपका नाम है ह, क्या है ये हल वाला, हा कौन सा होता है स्टूडेंट, हाँ हल वाला। अब करना है छ। तो स्टूडेंट्स हमने हिंदी परीक्षा में क से लेके त्र त्रिशूल तक पूरा कंप्लीट हमने कंप्लीट कर लिया है वर्क बुक्स में, ठीक है। आप लोगों को भी आपके वर्क बुक्स में इस तरह से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और घर बैठ के रोज़ एक वर्ण को आपको रिवाइज करना है, जिससे आप वर्णों का अभ्यास करेंगे, आपको वर्ण कंप्लीट लर्न बाय हार्ट हो जाएंगे, ठीक है। त्र त्र त्रिशूल वाला, ठीक है, ये तरह त्रिशूल वाला, ये हमारे तरह त्रिशूल वाला। ओके क्वेश्चन, न से लेकर त्र त्रिशूल तक हमने कंप्लीट कर लिया वर्णों को, ना भी नेक्स्ट पैटर्न करेंगे। हिंदी संख्याएं पढ़ो और लिखो, क्वेश्चन रीड हिंदी नंबर एंड ब्राइट। तो हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी संख्या पढ़ना और लिखना है, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, क्या है स्टूडेंट्स, ये दस तक नंबर है, ठीक है। कैसे करना है हमें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक लाइन में ट्रेस करती, बाकी एक लाइन में आपको लिख के बता दे रही हूँ, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और क्वेश्चंस नौ दस, कंप्लीट। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, ये कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। हिंदी संख्याएं शब्दों में लिखो, राइट द हिंदी नंबर इन वर्ड। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, जो दिया गया है संख्याएं हमें इसे शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसे यहाँ पे तीन एग्जांपल दिया गया है, पांच, तो करना है हमें इस तरह से पांच, ठीक है। उसके बाद लिखना है छः,